हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये खूबसूरत एंड शाइनी सी जैजनीन रिप्लेट बनाना, जिसको मैंने लिपिन आर्ट प्लस रीजन आर्ट के कॉम्बिनेशन से बनाया है। आप इसी तरह अपने घर का नेम प्लेट भी बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर टू पेंट दिस एमडीएफ बेस। मैं यहाँ पर फैब्रिक्रिल क्ले का यूज़ कर रही हूँ क्ले पैटर्न बनाने के लिए। ये दो पैकेट्स में से जो भी क्ले निकलेगा उनको इक्वल पार्ट्स में हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से, एकदम ब्लैंड हो जाए, ये अलग अलग ना दिखें। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने एमडीएफ बेस को 3 से 4 बार पेंट किया है सो दैट परफेक्ट बेस मेरे पास तैयार हो। और उसके बाद क्ले से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे। मैं तो मेनली लाइनिंग्स और लीव्स ही बनाऊंगी बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम लिपिन आर्ट ट्राई कर रही हूँ और मुझे ये सबसे ईजी लगा इसलिए। एंड बैम्बू स्टिक से मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया लीव में, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक एंड येलो एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और कम से कम भी 2-3 बार आपको ये पेंट करना है सो दैट नीचे जो बेस कलर है वाइट वो ना दिखे। ना हम यहाँ सुंदर से मिरर्स यूज़ करेंगे हमारी प्लेट को डेकोरेट करने के लिए। आप जो भी साइज़ के मिरर्स एंड शेप्स के मिरर यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने बेसिकली स्मॉल साइज़ मिरर यूज़ करे हैं बिकॉज मेरे प्लेट का साइज़ भी छोटा था। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सो ये प्लेट हमारा रेडी होने वाला है, सो इट्स रेडी नाउ। अच्छा वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट मैं इसमें रेजिन की लेयरिंग करूँगी सो दैट ये एकदम प्रोटेक्टेड रहे और मैं इसे एज अ नेम प्लेट या बाहर लगा सकूँ घर के और इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, ना इसके मिरर हटेंगे ना टेक्स्ट हटेगा। सो आप भी रेजिन इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको फॉर एवर प्रोटेक्टेड रखने के लिए। हमारा पीस रेडी हो गया है एंड सीरियसली गाइज इट इज़ लुकिंग स्टनिंग एंड कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।